टीम इंडिया ने कैपटाउन टेस्ट के पहले दिन 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए हैं। कप्तान विराट कोहली 70 और शार्दुल ठाकुर 2 क्रीज पर है। ऋषभ पंत 27 रन बनाकर मार्को जनन से गेंद पर आउट हुए। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। विराट ने सीरीज में अपनी पहली 50 जमाई है। उन्होंने 5 पारियों के बाद टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक जमाया। ओपनर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा और अंजिक्य रहाणे भी आउट हो चुके हैं। मार्को जेनसन ने 3 विकेट लिए। कगिशोर अबाड़ा ने 2 और डेन ओलिवियर ने 1 विकेट लिया। विराट कोहली जब 39 रन बनाकर खेल रहे थे तब उनके खिलाफ कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील हुई। साउथ अफ्रीका ने DRS लिया लेकिन विराट नॉन आउट करा दिए गए। भारत ने निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं। हनुमा विहारी की जगह कैप्टन विराट कोहली वापस आए और मोहम्मद सिराज की जगह उमेश यादव को मौका मिला। इससे पहले रहाणे ने कॉट बिहाइंड दिए जाने पर DRS लिया था। रिप्ले से साफ जाहिर था गेंद उनके बल्ले को छूकर गई है और रहाणे आउट करा दिए गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अगर इस मैच में 146 रन बना पाते हैं तो वे टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन पूरे कर लेंगे। अब तक 5 भारतीय बल्लेबाजों ने इस फॉर्मेट में 8000 रन बनाए हैं। 15921 रनों के साथ सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं। इनके बाद राहुल द्रविड़ 13265 रन, सुनील गावस्कर 10122 रन, VVS लक्ष्मण 8781 रन और वीरेंद्र सहवाग 8503 रन ने यह कारनामा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।